देखो, एसएसपी ऑफिस आने का मामला ये है कि हमारी जो आदर्श और हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके ऊपर एक मुस्लिम समाज का सलमान खान नाम का बंदा है, जो एक फिल्म कोरियोग्राफर भी है और सहारनपुर का रहने वाला माजिद अली का भतीजा। उसने आदरणीय बहन जी के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसने कहा यह कमीनी हमेशा मुस्लिम समुदाय को हारने के बाद कोसती है। इस तरीके का ये उसका बयान है, मतलब बहुत गंदे अपमानजनक तरीके से इन्होंने आदरणीय बहन जी के खिलाफ ये पोस्ट की है अपने ट्विटर अकाउंट से। हम चाहते हैं, नेशनल भीम आर्मी चाहती है, क्योंकि इस मामले को देखकर पूरे भारत में दलित समाज और हमारे नेशनल भीम आर्मी में बहुत रोष प्रकट है। हम चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, संगीन धाराओं में इसकी गिरफ्तारी हो। हमने कप्तान साहब से मिली है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और कल सहारनपुर में SSP कार्यालय में हमारा पूरे दलित समाज का बहुत बड़ा प्रदर्शन है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी कोहिनूर है, हमारे समाज की एक बेटी है और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। देखो, अगर हमारी बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिर हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। फिर हमें ये नहीं देखेंगे कौन मुस्लिम है और कौन क्या है। हम फिर अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे। 2 अप्रैल का इतिहास दोबारा से दोहराना हम जानते हैं। अगर हमारे समाज की बहन बेटियों पर कोई छींटा कसी करेगा, अगर यही बयान हमारे कोई दलित समाज का लड़का किसी मुस्लिम समाज की महिला पे या मौलवी पे दे देता तो पूरे देश में अब लो आग लग जाती। लेकिन हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। तो हम चाहते हैं कि कानूनी तौर से माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, SC ST आयोग से कि इस कुत्ते के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो और इस सुबर को उठा के जेल में डालने का कार्य करे। क्योंकि हम लालची लोग नहीं, हम एक संगठन चला रहे, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो हमारे समाज की बहन बेटियों पर छींटा कसी करेगा हम उसका इलाज भी करेंगे। जी देखो, आप सभी को पता है पूरे देश के अंदर आदरणीय बहन जी एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बसपा 4 बार शासन काल कर चुकी है। EVM का मुद्दा है पूरे देश के अंदर, इन्होंने EVM चेंज किया है। EVM में जिन्हें विपक्ष को मजबूत करने के लिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो बताया इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि BJP को विपक्ष में मजबूती चाहिए थी और मजबूती देने के लिए कुछ सीटें निकलवा दी गई है। मेरठ का देख लीजिए, सुनीता वर्मा सीट निकाल रही थी, लेकिन शासन प्रशासन और सत्ता के नशे में चूर वहां पर राम गोविल को जिता दिया। तो इसी तरीके से नगीना में इन लोगों ने एक नया प्रोडक्ट तैयार किया है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपने समाज का भाई है। हाँ, एक सांसद बन चुके हैं, हाँ वे भी समाज के भाई है हमारे। लेकिन यही बात मैं यही कहूंगा कि भाई बसपा आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत थी और आने वाले समय में आदरणीय बहन जी बहुत बड़ी मजबूती से लड़ेगी। और मैं सभी को संदेश दूंगा, बहन जी बहुत बड़ी पावर है, 4 बार सत्ता में रह चुकी है, जो काम बहन जी ने कर गया वो कोई कर ही नहीं सकता। भाई दलित समाज का तो समाज को, भाई समाज नहीं तो बनाया है ऐसे, और समाज ही अब आगे लेकर चलेगा। अब देखते हैं हमारे बड़े भाई सांसद बने हैं और आने वाले समय में कितने हमारे समाज के लोगों की आवाज उठाएंगे। जी जी, तो प्रोडक्ट तो समाज के ही है भाई, प्रोडक्ट समाज ही तो तैयार कर रहे हैं भाई। पहले बहन जी को तैयार किया, अब चंद्रशेखर को तैयार कर दिया, अब संसद भवन में देखते हैं हमारे बड़े भाई कितनी आवाज उठाते हैं समाज की। और हम उम्मीद करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं 131 MP MLA की तरह ना करे, बस यही उम्मीद करेंगे हम लोग।